गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट, वी आर रीडिंग चैप्टर 14, द ह्यूमन बॉडी. इन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग अबाउट सिस्टम ओवर ऑर्गन सिस्टम्स लाइक स्केल्टन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन सिस्टम, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस ब्रेथ. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यह समझना होगा इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है. देखो, नोज है, विंड पाइप है, और जो हमारे अंदर के फेफड़े होते हैं यानी कि लंग्स है ये. आपको देखो, जब खांसी होती है तो आपको यहाँ इस पार्ट में पेन होता है, जब ज़्यादा खांसी होती है तो आपको यहाँ पे होती है ना. हम नोज से, विंड पाइप से, मतलब विंड पाइप जो हम सांस लेते हैं, इससे सांस अंदर और बाहर जाता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलते सिस्टम है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस ब्रेथ मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम. द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी का एक पार्ट है, क्या करता है, इसमें किस चीज़ में हेल्प करता है? ब्रेथ मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो सांस लेने में मदद करता है वो क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ऑल सेल्स इन द बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन. जो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, आपको पता है ना, सेल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है. क्या बोलते हैं उसको? सेल, सेल्स बोलते हैं इनको. तो ऑल सेल इन द बॉडी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. तो हमारी जो सभी जो सेल्स हैं उनको क्या जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के लिए जो एक लाइफ गैस बोल सकते हैं, इसको हम सांस लेते हैं, उसको कि कौन सी गैस है वो? ऑक्सीजन. वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा में सांस ले रहे, विच कंटेन ऑक्सीजन, जो कि एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है. थ्रू द नोज, नोज से हम वो क्या ऑक्सीजन गैस लेते हैं. थ्रू द नोज, नोज के द्वारा द ऑक्सीजन इज टेकन टू ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय ब्लड. और ब्लड से ही जो हम ऑक्सीजन जो गैस लेते हैं, सांस लेते हैं, वो सभी पार्ट में जाता है. ब्लड द्वारा हमारे पूरे की बॉडी में जाता है. ठीक है, क्या ऑक्सीजन जाता है. द वाइटल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये पूरा, इसका कौन कौन से पार्ट है? नोज, विंड पाइप. आप नोज से सांस लेते हैं तो वो कहाँ से जाता है? गले से होते हुए जाता है ना, तो उसको बोलते हैं जहाँ से नोज वो नोज से एयर जाती है या ऑक्सीजन जाती है, उसको बोलते हैं विंड पाइप. और फिर इसके बाद क्या होता है? लंग्स. ये है लंग्स हमारे. और फिर और क्या है ये? डायफ्राम्स. क्या डायफ्राम्स? ये है कि कहाँ पर? डायफ्राम्स इज ए लेयर ऑफ मसल्स. एक मसल्स की एक लेयर है. द डायफ्राम इज ए लेयर ऑफ मसल्स बिलो द लंग्स. लंग्स है ये, लंग्स के नीचे एक लेयर होती है मसल्स की. लंग्स हेल्प अस टू ब्रेथ इन ऑक्सीजन. और जो ब्रेथ, जो लंग्स होती है, जो फेफड़े होते हैं बच्चों, ये हमारे सांस लेने में क्या ऑक्सीजन में लेने में हेल्प करते हैं. द ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और सांस के द्वारा हम क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है उसको हम नोज से बाहर निकालते हैं. हम अच्छी गैस लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, वो कौन सी है? ऑक्सीजन. और जो दूसरी जो गैस होती है हम उसको बाहर निकालते, जो जहरीली होती है वो हम उसको बाहर निकालते, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो बच्चों, ये सारा सिस्टम इसको क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, जो सांस लेते हैं हम अंदर फेफड़ों में, विंड पाइप से और डायफ्राम्स के द्वारा ये अंदर जाते, ये पार्ट है इसके अंदर. नेक्स्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारे सांस लेने वाला था. अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? खाना जाता है, जो हमारा
देखते इसके अंदर क्या होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज मटेरियल थ्रू आउट द इंटायर बॉडी, मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम में है कैरीज मटेरियल थ्रू आउट द इंटायर, पूरी बॉडी के अंदर से ये जाया जाता है इसको। अब क्या लेके जाता है देखते हैं। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, क्या क्या भेजते हैं इसके अंदर, क्या क्या जाता है इधर से उधर, ऑक्सीजन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल, जो सेल्स होते हैं उसके अंदर वाटर जाता है, ऑक्सीजन जाती है और न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बड़ी यूजफुल होती है। कैरीज अवे वेस्ट प्रोडक्ट बाय द सेल्स, और जो हमारे स्मॉल जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या होता है सेल्स, उनसे जो वेस्ट होता है वो निकलता है, उनसे वो बाहर निकलते हैं। द हार्ट, इसके अंदर क्या कहता है, द हार्ट ब्लड वेसल्स, जो छोटी छोटी जो हमारी ब्लड के ऊपर जो हमारी इसके अंदर दिखाई देते हैं ब्लू कलर की, जिसके अंदर से ब्लड जाता है, एंड ब्लड वर्क टुगेदर एज पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये चीज़ें काम करते हैं, हार्ट ब्लड वेसल्स, ये है ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये तीन इसमें काम करते हैं और ये इससे हमारी पूरी पार्ट में, आपने देखा कि हमारे सिर पे भी चोट लग जाती है तो वहाँ भी ब्लड निकलता है, और हमारा अगर पैर का नेल्स भी अगर कट जाता है तो अगर ज़्यादा कट जाता है तो वहाँ भी ब्लड निकलता है, तो हमारे ब्लड को वहाँ तक ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से ही होता है। ठीक है बच्चों, द हार्ट इज़ द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब देखते जो हार्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट अवर बॉडी, जो हमारा हार्ट होता है वही ब्लड को पंप करता है। आपने देखा हो जैसे हैंड पंप होता है, नलका होता है, आप उसके हैंडल से दबाते हो नीचे तो ऊपर पानी आता है, पानी ऊपर आता है ना, आप क्या करते हो हैंड पंप से पानी निकालते हो तो उसके जो हैंडल सा होता है उसको नीचे करके फिर ऊपर करते हो, नीचे करके ऊपर करते हो तो पानी ऐसे आता है ना, तो पानी ऊपर आता है, तो ऐसे ही जो हमारा हार्ट होता है वो हरदम पंप करता रहता है। ठीक है, द ब्लड इज कैरिड बाय द ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो जो हार्ट होता है वो पंप करता रहता है पानी, मतलब ब्लड हमारा उसे साफ होता रहता है, और क्या होता है फिर, द ब्लड कैरीज और फिर जो हमारी वेन्स होती है वेल्स होती है उसके द्वारा ब्लड को पूरे पार्ट में कैरीज किया जाता है। ब्लू कलर की होती है ना, ये डार्क ग्रीन कलर की होती है ना जो हमारी स्किन से नीचे कई बार हमारी बिल्कुल क्लियर दिखती है वो, तो उससे इधर उधर वो हमारी पूरी बॉडी में उसको क्या करते हैं कैरीड होता है, उसको लेके जाते हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या था सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है एक्सरेटरी सिस्टम, एक्सरेटरी सिस्टम में द एक्सरेटरी सिस्टम क्लीन द बॉडी, एक्सरेटरी सिस्टम है, अगर एक्सरेटरी सिस्टम ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर ही गंद फैल जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे फिर वही बात, उस चीज़ पर हम खाना खाते हैं, रोज खाना खाते हैं, फिर उससे ब्लड बनता है तो उसके बाद वो हमारी बॉडी को तो हेल्दी रखने के लिए तो हमारे क्या है जो बॉडी को क्लीन करना भी तो ज़रूरी है ना, जो इंटरनल पार्ट है उसकी भी तो सफाई होनी ज़रूरी है, तो क्या है एक्सरेटरी सिस्टम क्लीन द बॉडी, एक्सरेटरी सिस्टम ये है, तो हमारे से ये जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है। इट हेल्प इन रिमूविंग अनवांटेड थिंग्स सच एज सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट, ठीक है, जो लिक्विड यानी कि जो हम यूरिन पास करते हैं, ठीक है, तो वो क्या अगर ये इससे हमारे जो अनवांटेड जो थिंग्स होती है वो पेट से निकल जाती है, मतलब साफ हो जाता है पेट, इससे हमारा क्लीन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। अब देखो ना जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर है, कई बार बहुत ज़्यादा किसी को पसीना आता है, स्वेट आता है ना, पसीना आता है, या फिर यूरिन मतलब टॉयलेट से हम यूरिन करते हैं पास करते हैं, यूरिन पेशाब करते हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारी बॉडी के जो अनवांटेड थिंग्स होती है तो वो निकल जाते हैं,
द ऑर्गन्स इंक्लूड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये ऑर्गन इंक्लूड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम सच एज आर किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा स्किन एंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेगुलेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर ये चीज़ें आती, किडनी, ये किडनी बच्चों, ये यूरेथर, रेथर, इससे फिर यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे ब्लड का ब्लड सॉरी या क्या यूरिन यानी कि पेशाब जमा हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम उसको मतलब उसको हम यूरिन पास करके आते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अगर हमारे अंदर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ना हो तो हम तो वही बात जीवित ही नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। ऊपर से हमने खाना खाया, फिर बॉडी के अंदर उससे ब्लड बना, ब्लड से फिर इधर उधर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड इधर थ्रू आउट पूरी बॉडी के अंदर वो जाता है, और उसके बाद ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फिर आ जाता हमारा नर्वस सिस्टम। ये हम कल करेंगे, आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।